छोटा सा ट्रैक है और कुछ बड़ा सा ट्रैकिंग होगा नहीं। नचिकेता ट्रैकिंग बोलते हैं यहाँ से, उत्तरकाशी से जो बस आती है वही हमें ले जाएगी। और यहाँ के लोकल्स थोड़े से कूल से हैं और हर चीज़ में थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा है और ये अंकल से कुछ ज्ञान ले रहा है। सो गाइज, ब्लॉगिंग का एक रिचुअल्स होता है, लाइक जो ब्लॉग बनाता है वो अपना आउटफिट ऑफ द डे बताता है। बताओ तुम क्या पहन रहे हो? दिख रहा है ना सबको? नाइकी का 10th कॉपी शू है और ये एडिडास का 11th कॉपी जैकेट और ये चश्मा तो जान रहे हैं, हर एक माल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, दबंग चश्मा 40 रुपया, वही है 100 रुपये में सारा कुछ। तो आप समझ कुछ आउटफिट आ गया, अगर आपको भी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करो। बस यहाँ का रोड कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस होता है और यहाँ पर ड्राइव कर पाना इज लाइक नीड्स टू मच एक्सपीरियंस। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन नचिकेता ताल या ताल जो भी है। हमने यहाँ एंट्री कराया था और एंट्री कराने के बाद ये कुछ यहाँ से हमारा सो थोड़ा सा रास्ते में हमने लेफ्ट राइट कर दिया, मैंने पर्स घुमा दिया है और तो हंस क्यों रहे हो? पर्स भूल गया तो हंस क्यों रहे हो? उसमें कुछ पैसा तो नहीं थे क्या? उसमें थे सब कुछ, थे डेबिट कार्ड था एक और एक क्रेडिट कार्ड था, आधार और पैन भी थे, तो कोई टेंशन नहीं है, देखते हैं कुछ करेंगे उसका समाधान। अभी तो नो नेटवर्क जोन में है, मोस्टली मैंने बस में ड्रॉप करा होगा, वापस आते वक्त हम लोग देख लेंगे अगर सेम बस मिला तो। कोई नहीं, अभी तो हमने ट्रैकिंग यहाँ से एंजॉय करना है। अपनो जिनका पर्स गुम हुआ है थोड़ा सा उदासी लेकिन खुशी है चेहरे पे इनके। इट्स नॉट अबाउट पर्स मैन, मैं यहाँ जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो चीज़ मुझे मिल रहा है, दैट्स ऑल फॉर मी। रास्ते में मैं थोड़ा सा भाव सा हो गया था बिकॉज कि जो रास्ता था ना नेक्स्ट लेवल था। इस ट्रैक के बारे में मैंने उतना एक्सपेक्ट करा नहीं था बट ये कुछ अलग ही है। आई हैज़ बीन इन द त्रिवुंद बट वो डिफ़िकल्ट था और डिस्टेंस ज़्यादा थे, सुबह का निकला मैं शाम को उधर पहुंचा था बट उधर बहुत ज़्यादा लोग थे और यहाँ पूरा सुनसान सा ट्रैकिंग हो रहा है। No one is here. और कोई नहीं है यहाँ पे, बस रास्ते में दो चार चीते शेर बाघ बस मिलेंगे, कुछ बंदरगियाँ मिलेंगी, लोग तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हालांकि इधर देखने को मिल जाता है चीते बट वो मोस्टली नाइट में अटैक करते हैं, सो अभी हम लोग सेफ है। यही था वो जगह जो अनएक्सप्लोर्ड है, काइंड यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और कोई नहीं है। एक्चुअली हम लोग 2-3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं बट कोई नहीं रास्ते में मिला अभी तक। और पूरा इधर देखेंगे आप ग्रीनरी है और पीछे की तरफ आइस से ढका हुआ पूरा सा वो माउंटेन था जो कि मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। और ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं, 2022 इंड होने को है और ऐसे नोट पेंट हो और ऐसे दोस्तों के साथ हो तो बात ही कुछ और सा हो जाता है। सो गाइस, इफ यू कैन सी हियर यहाँ एक हिरन है। कैमरा तो भाई आईफोन का कैमरा क्या है उसको कैप्चर करेगा। सो अभी तक का तो अनुभव बहुत ही प्यारा रहा।
ये देखें, ये व्यू तो ठीक है, बट ये बंदा जिसके जॉब के बारे में मैं बात कर रहा था, ही जस्ट गॉट हिज फर्स्ट सैलरी। मैंने अपना टोपी निकाल लिया बिकॉज यहाँ टेम्परेचर बहुत ही डाउन है और थोड़ा बहुत हम लोग लीफ पे बर्फ भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था, आई वॉज टायर्ड एज फॉक बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी मैं बहुत दिनों बाद कर रहा था, बट मैंने ये भी बोला था कि वो चीज़ वार्म अप हो जाने के बाद यू कीप गोइंग एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग नाउ। वहाँ से 2-4 किलोमीटर और ऊपर आने के बाद, स्वेट होने के बाद, वी आर जस्ट गोइंग। एंड यहाँ एक लेक सा है, लचिकेता तल आई गेस, इसीलिए इसको बोला गया। जुड़े हुए हैं एंड कोई एक और भी इंसान मिले थे जो बिल्कुल उन्होंने कुछ अपने बदन पे थोड़ा सा कुछ कपड़ा डाल रखा था। हम लोग इतना कुछ पहन के आए हैं, हमें फिर भी थोड़ा सा ठंड महसूस हो रहा है, ऑल बिकॉज की यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ का लेयर देख पाए। So finally we have reached to the top. And this is something. Holy smoke. What's it? Fish parties. इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं करता। अगर आपको आना है तो आई विल सजेस्ट कि कोई अगर आपका जान पहचान का है तभी आए, और उसके बाद भी अगर ऐसे भी आना है बिल्कुल वर्थ इट है बिकॉज यहाँ आपको बल्क में 2-4 चीज़ें घूमने मिल जाएंगी। फैंसी यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक बस यहाँ बैठ जाओ कुछ देर। You have never felt in your whole life, man.